अफगानिस्तान के क्रिकेटर राशिद खान को आया भारत का बुलावा और वह भारत आ सकते हैं। राशिद खान के भारत आने को लेकर चल रही चर्चाओं पर रोहित शर्मा ने एक बड़ा बयान दिया है। क्या कुछ कहा है रोहित शर्मा ने राशिद खान को लेकर, बताएंगे आपको वीडियो में आगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी हैं रोहित शर्मा के फैन तो इस वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना बिल्कुल भी ना भूले, जिससे हमारी अगले आने वाली कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अफगानिस्तान के पूरे देश पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है। सोशल मीडिया पर अफगानिस्तान से आ रही फोटोज और वीडियोस बेहद दर्दनाक हैं। वहां के हालात बेहद खराब हैं और अब तालिबान की नज़रें अफगानिस्तान के क्रिकेट बोर्ड पर पड़ गई है, जिसके बाद लोग अफगानिस्तान क्रिकेट टीम का हाल जानने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं इस बिगड़े हालात पर राशिद खान ने दुनिया भर के नेताओं से अपने देश सहित अपने परिवार को बचाने की गुहार लगाई थी। राशिद खान ने ट्वीट पर बस एक ही बात कही थी, शांति। इसी के साथ उन्होंने अपना राष्ट्रीय झंडा भी लगाया था। जाहिर है कि वह अपने देश की जनता को लेकर चिंता में दिखाई दे रहे हैं। वहीं राशिद खान ने 10 अगस्त को ही अपील की थी कि उनके मुल्क को मरने के लिए छोड़ा न जाए और दुनिया उनकी मदद करे। उन्होंने तब लिखा था कि दुनिया के नेताओं, मेरा मुल्क मुश्किल में है। बच्चे और महिलाओं समेत हजारों लोग रोज शहीद हो रहे हैं, घर और संपत्ति बर्बाद हो रही है, हजारों परिवार रोज देश छोड़कर जा रहे हैं, हमें अकेला न छोड़ें, अफगान नागरिकों का कत्लेआम बंद हो। हालांकि राशिद खान के इस ट्वीट के बाद भारतीय क्रिकेट फैंस उन्हें भारत आने की सलाह दे रहे हैं। किसी फैंस ने लिखा है कि भाई तू इंडिया आ जा, वहीं किसी और क्रिकेट फैंस ने लिखा है कि टीम इंडिया आपका स्वागत करेगी, अब आप भारतीय क्रिकेट टीम के साथ ही खेलो, दुनिया में सबसे अच्छा और सबसे सुरक्षित देश है तो वो इंडिया है। राशिद खान के ट्वीट के बाद अब लोग उन्हें ऐसे ही कमेंट रिप्लाई कर रहे हैं और उन्हें भारत आने की सलाह दे रहे हैं। राशिद खान के भारत आने को लेकर अब रोहित शर्मा ने इंस्टाग्राम पे चैट के दौरान एक बड़ी बात कही है। रोहित ने कहा है कि राशिद खान अगर भारत से खेलना चाहते हैं तो बीसीसीआई उन्हें टीम में शामिल करने पर विचार करेगा। राशिद खान विश्व स्तरीय गेंदबाज हैं और उनके जैसा गेंदबाज शायद ही विश्व की किसी टीम के पास हो। हालांकि बीसीसीआई ने अभी तक इस पर कोई विचार नहीं किया है। सोशल मीडिया पर फैंस की बढ़ती मांग के साथ क्या बीसीसीआई राशिद खान को टीम इंडिया में शामिल करने पर विचार कर सकती है या नहीं, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि राशिद खान टीम इंडिया में शामिल हो जाए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। साथ ही क्रिकेट के मैदान से जुड़ी ऐसी और खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।